Foodies, welcome back to my channel. I hope you all are doing perfectly alright. So in today's video, I'm going to be sharing a review of a concealer palette which I recently ordered from Amazon. Now, ये जो palette है ये आपको Flipkart पे भी मिल जाएगा, लेकिन Flipkart पे जो इसकी price है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये आपको 300 या 400 में मिलेगा, लेकिन Amazon पे ये आपको rupees 140 या 150 में ही मिल जाएगा. तो make sure आप इसे Amazon से ही खरीदें. Now, आपको पता है कि Amazon पे एक ही product के लिए काफ़ी ज़्यादा seller होते हैं, तो इस product की जो link है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसी लिंक से खरीदना. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर समवन न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. सो ये जो पैलेट है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड किस ब्यूटी. इसमें आपको टोटल 8 शेड्स मिलते हैं, एंड सारे ही शेड्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. चाहे आपका कोई भी स्किन टोन हो, आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसमें सारे कंसीलर के कलर्स मिल जाएंगे. सो ये चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपको कॉन्टोर शेड्स भी मिलते हैं, तो आप इससे कॉन्टोरिंग भी वेरी इजीली कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर समवन जो कलर करेक्टिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके भी आपको इसमें कलर्स मिल जाते हैं, बस इसमें आपको एक ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं मिलता है. नाउ अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी. आप देख सकते हो इसे ब्लेंड करना ना काफ़ी ज़्यादा इजी है, एंड ये क्रीमी है इसीलिए ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप इजीली अपना ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश लीजिए एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करिए, ये बहुत ईजिली ब्लेंड होता है. बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट जब भी आप इसे यूज़ करें ना, आप अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करें, अदरवाइज़ इसे ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. सो अगर मैं इसके कवरेज की बात करूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज है, बिल्कुल आपको हाई एंड कवरेज इससे मिलती है. एंड ये इजीली आपके फेस पे 6 to 7 hours लास्ट करता है, एंड उसके बाद ये हल्का हल्का थोड़ा सा फेड होने लग जाता है. बट यस, 5 to 6 to 7 hours ये ईजिली आपके फेस पे रहेगा, यू नीड नॉट टू वरी. नाउ अगर इसकी प्राइस की बात करूँ, तो ये जस्ट रुपीज़ मुझे 160 में पड़ा था घर आने तक, इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस. तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज अगर मैं कोई और कंसीलर खरीदती तो वो मुझे ज़्यादा का पड़ता, एंड इन रुपीज़ 160 आई एम गेटिंग सो मेनी कलर्स. तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो अपना बेस है वो ऑलरेडी सेट कर लिया है, एंड अब मुझे कंसीलिंग करनी है. तो कंसीलर के लिए जो कलर मैं यूज़ करूँगी वो है ये वाला कलर, एंड आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसमें से यूज़ कर सकते हो. एंड नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है कि आपको ब्रश यूज़ करना है, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ करें. मुझे पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उसकी हेल्प से करूँगी. नाउ ऐसे मैं इसमें कलर लूँगी, आप चाहो तो फिंगर से कर सकते हो, एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है. आप देख सकते हो कितने ईजिली ये ब्यूटी ब्लेंडर में आ गया है. सो अब मैं इसे ऐसे लेके अपनी अंडर आई में अप्लाई कर लूँगी. एंड अब हम इसे करेंगे ब्लेंड. नाउ ब्लेंड ये बहुत ही ईजिली हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्लेंडिंग में. सो आप देख सकते हो ये कितनी ईजिली ब्लेंड हो रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. सो गाइज, आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से सेट हो गया है, बल्कि मैंने अभी कोई भी बेकिंग नहीं की है, लेकिन ये अच्छे से सेट हो गया है. तो कंसीलर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पैलेट यूज़ करें ना, आपकी जो स्किन हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो, तो ये जो कंसीलर है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहेगा एंड अच्छा भी लगेगा. सो आप देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुल माई स्किन इज़ लुकिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा मेरा एरिया कवर हो चुका है. मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो वो अभी पूरी नहीं दिख रही है.
सो गाइज आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जानते हो कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को बिना ट्राई करे आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ। इसमें आपको 100% रिकमेंड करूंगी इसे बाय करना। ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, तो आप एक बार इसे बाय ज़रूर करिएगा एंड इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ कभी भी कोई भी गलत रिव्यू शेयर नहीं करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर समवन न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।